हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस, जिसके लिए हमें चाहिए होगा पैन। पैन में डालेंगे हम ऑयल एंड देन ऐड करेंगे जीरा। फिर उसके बाद इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। फ्राई होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे चॉप ऑनियन और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वेजीज। जो मेरे पास सिर्फ कैप्सिकम थी तो मैंने उसको ही ऐड किया। आप इसकी जगह और भी वेजीज होती है ना, तो उसको भी ऐड कर सकते हो, जैसे गाजर हो गई, मटर हो गई, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, पर मेरे पास कैप्सिकम थी तो मैंने सिर्फ उसी को ऐड किया। और इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक हमारी जो वेजीज है अच्छे से पक ना जाए। उसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे मसालों में हम ऐड करेंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बट आपकी जगह, इसकी जगह आप ब्लैक पेपर या टर्मरिक भी ऐड कर सकते हो। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, जिससे हमारी वेजीज में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने ऐड करना है ब्लैक विनीगर। बट अगर आपके पास ब्लैक विनीगर नहीं हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, उसकी जगह आप टर्मरिक यूज़ कर सकते हो। बट मेरे पास ब्लैक विनीगर था तो मैंने उसको ही यूज़ कर लिया। इसको यूज़ करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे वेजीज में। एंड वेजीज में डालने के बाद, मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें बॉयल राइस। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे। अगर आपको एक टिप्स बताती हूँ, अगर आपके घर में राइस बच भी जाते हैं तो आप उसको भी इस टाइप में बना के अच्छे से खा सकते हो। अगर आपके पास वेजेस भी ना हो ना, तो आप सिर्फ प्याज होती है ना, उसको अच्छे से काट लेना और उसको फ्राई कर लेना। उसमें भी अगर आप ऐसे मसाले मिक्स करके बनाओगे तो बहुत अच्छे